आज की क्लास के अंदर हम लोग रिलेशंस विद यूएसए करेंगे। अगर मैं रिलेशंस विद यूएसए की बात करूं तो हमारे पास सवाल आएगा, हाउ सक्सेसफुल वाज पाकिस्तान इन इट्स रिलेशनशिप विद यूएसए बिटवीन 1947 एंड 1999, एक्सप्लेन योर आंसर। अब हम यूएसए और उसके अंदर रिलेशंस के अंदर क्या बताएंगे, तो सबसे पहली बात हमारे पास है 1950 के अंदर लियाकत अली खान जो है वो क्या करते हैं, वो हमारे जो है वो क्या होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और उनके पास इनविटेशन आता है। और जब उनके पास इनविटेशन आता है तो दो जगहों से इन्विटेशन आता है, एक जगह से आता है यूएसए वॉशिंगटन से और एक आता है रशिया मॉस्को से। अब लियाकत अली खान जो है वो अपना विजिट करते हैं यूएसए। अब आपको पता है यूएसए और रशिया दोनों एक दूसरे के दुश्मन है, यूएसए को प्रेफर करते हैं और वो वॉशिंगटन जाकर वो अपना विजिट करते हैं, जिसकी वजह से यूएसए से हमारे रिलेशंस अच्छे हो जाते हैं और यूएसएसआर से रिलेशंस क्या हो जाते हैं, बुरे हो जाते हैं। लेकिन अभी हम रिलेशंस विद यूएसए पढ़ रहे हैं तो हम क्या बात बोलेंगे कि हमारे यूएसए से रिलेशंस क्या हो गए बेटा, अच्छे हो गए। दूसरी बात हमारे पास क्या है कि 1954 एंड 1955 विथ रिस्पेक्ट, आपके पास डेट्स की अगर मैं बात करूं तो 1954 में सीटो बना एंड 1955 में सेंटो बना, दोनों आपके पास एक एंटी कम्युनिस्ट पैक्ट थे और हमने वो एंटी कम्युनिस्ट पैक्ट क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया। जब हमने वो एंटी कम्युनिस्ट पैक्ट ज्वाइन कर लिए तो हमारे रिलेशन यूएसए से अच्छे हो गए, क्योंकि आपको ये बात पता होना चाहिए कि यूएसए भी एंटी कम्युनिस्ट था और यूके भी एंटी कम्युनिस्ट था, लेकिन चाइना और यूएसएसआर ये कम्युनिस्ट वो थे, तो हमारे रिलेशन यूएसए से क्या हो जाएंगे बेटा, अच्छे हो जाएंगे। फिर अगर हम बात करें तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि हमारी सोवियत अफगान वॉर भी थी 1979 के अंदर, हमारे पास जब ये सोवियत अफगान वॉर भी थी तो हम लोग किसको सपोर्ट कर रहे थे, अफगानिस्तान वालों को सपोर्ट कर रहे थे। अच्छा, इससे पहले एक और बात आपको पता होनी चाहिए, वो बात है हमारी 1962 की। सोवियत अफगान वॉर तो 1979 में भी ना, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जब 1962 में इंडिया और चाइना की वॉर हुई थी तो इंडिया को सपोर्ट कर रहा था यूएसए और चाइना को सपोर्ट कर रहा था पाकिस्तान। अब आप ये बताओगे कि जब हमने उनको सपोर्ट करा तो आप ये बताओगे उनके और हमारे रिलेशंस क्या हो गए थे, खराब हो गए। तो आप ये बताओगे कि चाइना और इंडिया की जब वॉर होती है 1962 में तो हम किसको सपोर्ट कर रहे थे बेटा, हम सपोर्ट कर रहे थे चाइना को, जिसकी वजह से हमारे रिलेशंस यूएसए से खराब हो गए। फिर आप ये भी बताओगे कि जब तक अय्यूब खान का दौर चलता रहा, जब तक अय्यूब खान का दौर चलता रहा, अय्यूब खान ने मोस्टली किसको विजिट करा, चाइना को या यूएसएसआर। अब जब हम चाइना या यूएसएसआर को विजिट करते रहेंगे तो रिलेशंस किसके साथ अच्छे हो रहे हैं, यूएसएसआर और चाइना के साथ, लेकिन हमारे यूएसए के साथ रिलेशंस क्या हो गए, खराब। तो ये बातें यहाँ पर नहीं लिखी हुई, नीचे शायद लिखी हुई हो तो आपको ये बात बतानी चाहिए। जैसे कि 1962 में इंडो चाइना वॉर भी पाकिस्तान ने किसको सपोर्ट करा, चाइना को। आप ये बताओगे यूएसए ने सपोर्ट करा इंडिया को, रिलेशंस खराब हो गए। ड्यूरिंग अय्यूब खान के टेन्योर के अंदर हम लोग अय्यूब जो है वो सिर्फ क्या विजिट करता रहता था, यूएसएसआर और चाइना, जिसकी वजह से हमारे रिलेशंस यूएसए से क्या हो गए, खराब। फिर आपको याद होना चाहिए कि 1965 के अंदर जब इंडिया पाकिस्तान की वॉर होती है तो इंडिया और पाकिस्तान दोनों किससे मदद मांगने जाते हैं, यूएसए से मदद मांगने जाते हैं। यूएसए जो है वो हमारी मदद नहीं करता, जिसकी वजह से हम वॉर हार जाते हैं। अच्छा, वो इंडिया की भी वैसे मदद नहीं करता, लेकिन जो डैमेज होता है, जो नुकसान होता है, वो किसको ज्यादा होता है, वो हमें ज्यादा नुकसान होता है। जब हमें ज्यादा नुकसान होता है तो रिलेशंस क्या हो जाते हैं, बुरे। फिर आपको याद होना चाहिए कि 1971 के अंदर जब वॉर हुई थी तो हमने सीटों से मदद मांगी थी, लेकिन सीटों ने कहा था कि भाई ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के लिए ये पैक्ट बनाया गया है, तो सीटों ने हमारी मदद नहीं करी थी 1971 में। जब उन्होंने हमारी मदद नहीं करी तो जुल्फिकार अली भुट्टो ने सीटों गुस्से में आके छोड़ दिया था 72 के अंदर। जब गुस्से में आके जुल्फिकार अली भुट्टो ने छोड़ दिया, अब सीटों किसका था, एंटी कम्युनिस्ट पैक्ट था यूएसए वालों और का था, तो अब आप ये बताओगे कि रिलेशंस हमारे क्या हो जाएंगे, बुरे हो जाएंगे। फिर आप बताओगे कि 1979 के अंदर जब सोवियत अफगान वॉर होती है तो सोवियत अफगान वॉर के अंदर हम लोग अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रहे होते हैं, यूएसएसआर को सपोर्ट नहीं कर रहे होते। यूएसए हमें एड देता है, यूएसए हमारे साथ ट्रेड करता है, कितना एड देता है, कितना ट्रेड करता है, तो बेटा आपने ये बात पढ़ी थी कि 1.6 बिलियन एंड 4.2 बिलियन, तो हमारे पास एड और ट्रेड इतनी आती है। जब इतनी एड और ट्रेड आती है तो रिलेशंस हमारे क्या हो जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं। फिर आप ये बताओगे कि 1979 के अंदर यूएसए एम्बेसी, 1979 के अंदर यूएसए एम्बेसी एक होती है इस्लामाबाद के अंदर, जिसको आग लगा दी जाती है। और आप ये बताओगे कि यूएसए के जो सीनियर ऑफिशियल्स होते हैं वो पाकिस्तान छोड़कर चले जाते हैं, जैसे कि चाइना के यहाँ पे भी कुछ लोगों को यूनिवर्सिटी में मार दिया था तो रिलेशंस बुरे हो गए, तो वो लोग चले गए थे। तो आप ये बताओगे जब उनको मार दिया तो क्या हुआ कि वो लोग वापसी चले गए। फिर आप ये बताओगे कि हमारे पास क्या होता है कि 1989 के अंदर,
1989 के अंदर, यहाँ पे ये प्रॉपर डिटेल में नहीं लिखा हुआ लेकिन आपको पता होना चाहिए, 1989 के अंदर हमारे जो वहां के प्रेसिडेंट होते हैं, यूएस के प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश भाई क्या बोलते हैं कि भाई पाकिस्तान की मैं एड क्या कर रहा हूँ, रोक रहा हूँ, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन क्या कर रहा है, डेवलप कर रहा है। तो 1989 में हमारी एड रोक देंगे जिससे हमारे रिलेशन करेंगे खराब। फिर आप ये बताओगे कि 1992 के अंदर यूएसए ये कहता है कि पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म एक्टिविटीज बहुत ज्यादा है, इसकी वजह से हम आपको एड नहीं दे रहे, तो रिलेशंस और खराब हो गए। 1993 के अंदर, 1989 में भी रिलेशंस खराब है, 1992 में भी रिलेशंस खराब है, अब रिलेशंस अच्छे होंगे 1993 में। यूएस प्रेसिडेंट जो कि नए यूएस प्रेसिडेंट है बिल क्लिंटन क्या करते हैं, पाकिस्तान के साथ रिलेशंस अच्छे रखते हैं, और आप ये बताओगे कि वो प्रेसलर अमेंडमेंट को बोलते हैं कि हमसे मिस्टेक थी। एंड देन फाइनली 1995 के अंदर जब बेनजीर उधर विजिट करती है तो वो लोग एक ब्राउन अमेंडमेंट निकालते हैं और कहते हैं कि हम आपको क्या कर रहे हैं, मिलिट्री एड दे रहे हैं, हम आपकी एड नहीं रोकेंगे। तो आप क्या बताओगे कि 1989 के अंदर यूएस प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश जो था उसने हमारी एड रोक दी थी न्यूक्लियर वेपन्स की वजह से। 1992 के अंदर यूएस ने कहा कि भाई पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म एक्टिविटीज बहुत ज्यादा है। 1993 के अंदर यूएस प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने हमारे साथ रिलेशन अच्छे करे और उसने कहा कि प्रेसलर अमेंडमेंट एक गलत गलती हो गई। प्रेसलर अमेंडमेंट बेसिकली ये कहा था कि न्यूक्लियर वेपन्स जिसके पास होंगे हम उनको वेपन्स नहीं देंगे। 1995 के अंदर उन्होंने ब्राउन अमेंडमेंट निकाली और उन्होंने हमें एड दे दी। 1996 के अंदर हिलरी क्लिंटन, बिल क्लिंटन की बेगम हिलरी क्लिंटन और उसकी बेटी चेल्सी दोनों विजिट करते हैं पाकिस्तान को, जो कि हमारे लिए क्या था, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। फिर आप ये बताओगे कि 1998 के अंदर फाइनली हम लोग जब न्यूक्लियर पावर बन जाते हैं तो वो यूएसए को गुस्सा आता है और हमारे रिलेशंस क्या हो जाते हैं, खराब। तो यहाँ पे इतना डिटेल में नहीं लिखा हुआ तो आपको पता होना चाहिए। तो आप ये बताओगे, आप ये बताओगे कि हमारे पास क्या चीज है, हमारे पास ये चीज है कि सर 1989 के अंदर यूएस प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश क्या करता है, हमारी एड रोक देता है न्यूक्लियर वेपन्स की वजह से। 1992 के अंदर वो लोग कहते हैं तुम लोग क्या हो, बदमाश हो, तुम लोग टेररिज्म एक्टिविटीज करते हो। 19 दोनों दफा रिलेशंस खराब है। 1993 के अंदर बिल क्लिंटन क्या करता है, अच्छे रिलेशंस के लिए आप क्या बताओगे, वो बोलते हैं अच्छे रिलेशंस होने चाहिए और बोलते हैं प्रेसलर अमेंडमेंट गलती थी। 1995 के अंदर फाइनली ब्राउन अमेंडमेंट आती है, बेनजीर उधर जाती है, रिलेशंस बेहतर होते हैं और आप ये बताओगे कि उन्होंने हमारी एड, उन्होंने हमें तकरीबन $380 मिलियन, कहीं पे $388 मिलियन लिखा है, कहीं 380 लिखा हुआ है, तो उन्होंने थी एड हमें दी। 1996 के अंदर हिलरी क्लिंटन, बिल क्लिंटन की बेगम और उसकी बेटी चेल्सी विजिट करते हैं पाकिस्तान, रिलेशन अच्छे हो जाते हैं। 1998 के अंदर न्यूक्लियर वेपन टेस्ट होते हैं जिसकी वजह से फाइनली हम लोग जब ये बन जाते हैं तो यूएसए को ये चीज पसंद नहीं आती और हमारे रिलेशन क्या हो जाते हैं, खराब। अब हम बात कर लेते हैं कि सर इसका सवाल किस तरीके से आएगा। तो अब सवाल है, हाउ सक्सेसफुल पाकिस्तान हैड गुड रिलेशंस विद यूनाइटेड स्टेट्स सिंस 1947, हाउ फार डू यू एग्री। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया कि भाई उन्होंने कहाँ पे विजिट करा था, उन्होंने विजिट करा था वॉशिंगटन। दूसरा हमने क्या बताया, सीटो सेंटो का पार्ट थे, 1979 में काफी एड मिली। बिल क्लिंटन ने 93 में क्या करा, 1993 के अंदर आपके पास विजिट करा, प्लेसर अमेंडमेंट बोला, वो गलती हो गई थी। 1995 के अंदर ब्राउन अमेंडमेंट आती है, एड दे देते हैं। 1996 में उसकी बेटी हिलरी क्लिंटन, वो बीवी हिलरी क्लिंटन और चेल्सी आते हैं। अब फेलियर्स क्या थे, 1962 के अंदर हम चाइना को सपोर्ट कर रहे थे, लोग इंडिया को, आप ये बताओगे अयूब खान ने पूरे दौर में सिर्फ चाइना और यूएसएसआर पे फोकस करा। 1965 की वॉर में उन्होंने हमारी मदद नहीं करी। जुल्फिकार अली भुट्टो ने सीटों छोड़ दिया था 1972 के अंदर। फिर आप ये बताओगे 1979 के अंदर यूएसए एम्बेसी पे आग लग जाती है। फिर आप ये बताओगे यूएस प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश जो है वो क्या करता है, हमारी एड रोक देता है। 1992 के अंदर यूएस क्या करता है कि भाई यहाँ पे टेररिज्म एक्टिविटीज है, न्यूक्लियर वेपन टेस्टिंग वो हमारी वो करता है। इन माय ओपिनियन द फेलियर्स आर मोर एंड दे सिंपली आउटवे द सक्सेस। पाकिस्तान एंड यूएसए हैज सम गुड टाइम्स बट ओवरऑल द रिलेशंस वर बैड। तो ये हमारे पास कहानी थी। और इसी तरीके से दूसरा सवाल है, हाउ सक्सेसफुल वाज पाकिस्तान रिलेशनशिप विद द यूएसए बिटवीन 1947 एंड 1999, एक्सप्लेन योर आंसर। तो होपफुली आप लोगों को यूएसए तक की कहानी समझ आ गई होगी।